أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر हर किस्म की तारीफ़ बुज़ुर्गी और बड़ाई उस अल्लाह तबारक व तआला के लिए लायक़ ज़ेबा है जिसने हमें इबादत के मुख्तलिफ़ मवाक़े मुख्तलिफ़ ज़राए अता फ़रमाए। बेशुमार दरूद व सलाम और तमाम अम्बिया और रसूल पर खुसूसन ख़ातमुन नबीयीन जनाब मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके सहाबा अहले बैत ताबईन तबे ताबईन सलफ़ सालिहीन पर और उन सारे मुसलमानों पर जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एहसान के साथ पैरवी की। मेरे भाई और बुज़ुर्गों, नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों और मोहतरम ख़वातीन, आज जुमा के इस मुबारक मौके पर मैं ज़ुल्हिज्जा के पहले 10 दिन, जिसे अशरे ज़ुल्हिज्जा का नाम दिया जाता है, कि फ़ज़ाइल और कुछ मसाइल पर तस्करा करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे कहने और अमल करने और आपको सुनने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुनिया के कई ममालिक में ज़ुल्हिज्जा का महीना शुरू हो चुका है। ख़ुसूसन सऊदी अरब में आज ज़ुल्हिज्जा की पहली तारीख़ है। इंशाअल्लाह अज़ीज़, हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि कल इंशाअल्लाह ज़ुल्हिज्जा की पहली तारीख़ हमारे वतन अज़ीज़ में होगी। इसलिए ये जुमा का मौका है तो मैं इस ताल्लुक़ से कुछ बातें आपके सामने अर्ज़ करूँगा। ज़ुल्हिज्जा के पहले 10 दिन, दिन यानी इसे डे कहा जाता है, जो सुबह सादिक़ से शुरू होता है और सूरज के ग़ुरूब होने तक का रहता है, और रात कही जाती है सूरज के ग़ुरूब होने से लेकर सूरज के तुलू होने तक। इसमें जो दिन के औक़ात हैं ज़ुल्हिज्जा के ताल्लुक़ से बड़ी फजीलत वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वल्फ़ज्र, कसम है फ़ज्र की, वलयालिन अश्र, और 10 रातों की। अल्लाह तबारक व तआला के लिए हर चीज़ की कसम खाना जायज़ है, अल्लाह तबारक व तआला जिसकी भी चाहे कसम खा सकता है। हाँ, कसम जब किसी चीज़ की खाई जाती है तो उसका मकसद ये होता है कि वो चीज़ अजीम है, बड़ी नेमत है, बड़ी अहमियत रखने वाली है। यूँ ही किसी की कोई कसम नहीं खाता है। बंदों के लिए अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की कसम खाना जायज़ नहीं है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन काना हालिफन फल्यहलिफ बिल्लाह अव लियस्मुत। जो इंसान कसम खाना चाहता है, मजबूरी में कुछ मामलात ऐसे होते हैं जहाँ पर कसम की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की कसम खाए वरना खामोश रहे। अगर कोई अल्लाह को छोड़कर किसी दूसरे की कसम खाता है, जैसे ख़वातीन अक्सर अपने बेटे की कसम खाती हैं, कुछ लोग अपने सर की कसम खाते हैं, कुछ लोग जो है दुनिया के अलग अलग जो है चीज़ों की कसम खाते हैं, ये शिरक असगर है। क्यों? इसलिए कि जब आप किसी की कसम खाते हैं तो गोया कि आप उसकी ताज़ीम कर रहे हैं, और ताज़ीम सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए होनी चाहिए। और ये ताज़ीम धीरे धीरे डेवलप होकर शिरक असगर से शिरक अकबर में चली जाती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हर किस्म के शिरक से बचाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब फजर की कसम खाई तो आपको खुद एहसास हो गया हो इसकी अहमियत क्या है, उसकी अहमियत का एहसास हुआ होगा। क्योंकि फजर की नमाज बड़ी मुश्किल नमाज है, बड़ी मुश्किल नमाज है। लोग ज़ोहर पढ़ लेते हैं, कुछ लोग असर पढ़ लेते हैं, कुछ लोग मगरिब पढ़ते हैं, कुछ लोग इशा पढ़ते हैं, लेकिन फजर की नमाज अगर जायज़ा लिया जाए तो जो पंज वक्ता नमाजी हैं वो भी फजर की नमाज पाबंदी से अदा नहीं कर पाते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि इन्ना कुरान फज्र काना मशहूदा। फज्र का पढ़ना, चाहे कुरान मजीद की तिलावत हो या फज्र की नमाज हो, ये मशहूद है, यानी इसकी गवाही दी जा सकती है। अब दुनिया में भी देखिए कि फज्र की नमाज में जो लोग रहते हैं वो आपस में एक दूसरे को पहचानते हैं, क्योंकि तादाद कम होती है। जानते हैं कि ये शख्स हर दिन फजर की नमाज़ में आ रहा, आज क्यों नहीं आया। लेकिन ज़ोहर की नमाज़ में लोग ज़्यादा होते हैं, कोई एक दूसरे को पहचानता भी नहीं, तो शहादत भी नहीं दे सकते हैं। फजर की नमाज़ में आप गवाही दे सकते हैं कि इंसान फजर की नमाज़ पढ़ता था। अभी जुमा की नमाज़ में बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फजर की कसम खाई उसकी अहमियत जताने के लिए। वैसे पाँचों नमाज की बड़ी फजीलत है, लेकिन उसमें अहम फजर की नमाज है और असर की नमाज है, इशा की नमाज है, क्योंकि ये तीनों नमाजें अपनी हैसियत के हिसाब से थोड़ा डिफ़िकल्ट है। फज्र बहुत डिफ़िकल्ट है, असर की नमाज थोड़ा है, क्योंकि लोग जो है उसको कैलूला करते हैं, अपने काम में बिज़ी रहते हैं, और ये नमाज असर और मगरिब की तरह नज़दीक आ जाती है, तो लोगों के पास टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। और इशा की नमाज चूँकि रात में है, लोग जो है रात में बिज़ी रहते हैं, दोस्त अहबाब में रहते हैं, और वो शादियों का वक्त है, उस वक्त दुल्हन मेकअप में होती है, दूल्हा मेकअप में होता है, तो वो मेकअप उतार कर वज़ू करना, नमाज़ पढ़ना, इशा की नमाज़ देखें। अक्सर व बेशतर शादियों के माहौल में जाइए, जो लोग नमाज़ हमेशा पढ़ते हैं वो भी बड़े मुश्किल से पढ़ पाते हैं। क्यों? अगर जो है मस्जिद में चले गए तो मेहमान आ जाएंगे, बारात वाले आ जाएंगे और कहेंगे हमारा इस्तिकबाल नहीं किया गया, हमें वेलकम नहीं कहा गया, मुख्तलिफ बहाने हो जाते हैं। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज़ों की ख़ास ताकीद फरमाई है। हाफिज़ू अलस्सलात व सलातिल उस्ता व क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। नमाज़ों की हिफाजत करो, और ख़ुसूसी बीच की नमाज। मुफस्सिरीन कहते हैं बीच की नमाज मतलब ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा, तो बीच की नमाज ये असर की नमाज है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर किसी को इशा की नमाज की अहमियत का अंदाज़ा होता तो अगर वो चल नहीं सकता है तो अपने सुरीन के बल, अपने हिप के बल जो है घिसक के मस्जिद में आता। वल फज्र व लयालिन आश्र, और कसम है 10 रातों की। अरबी ज़बान बड़ी प्यारी ज़बान है, बड़ी रिच, बड़ी मालदार है। बड़ी ईमानदार है। हर लम्हे के लिए एक एक जो है वक्त मुतय्यन किया गया है। हमारे पास AM PM है, बस AM सुबह जो है रात में 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक, फिर 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक PM है। अरबी में जो है फजर है, फिर उसके बाद जो फजर सादिक, फिर उसके बाद जो है जुहा चाश का वक्त, फिर जो है ज़ुहर, फिर असर, फिर मगरिब, यानी ये औक़ात बतलाते हैं, औक़ात बतलाते हैं। तो लयाल जो लैला का लफ्ज़ है अरबी ज़बान में ये दिन के माने में इस्तेमाल होता है। अरब कहते हैं सलासिन लयाली बक़ीना मिन ज़िलहिज्जा, 3 दिन ज़िलहिज्जा के बाकी, यानी 27 ज़िलहिज्जा चल रहा है। क्योंकि इस्लामी तारीख रात से शुरू होती है, रात से मगरिब के टाइम से शुरू होती है, मगरिब के टाइम से जो है इस्लामी तारीख शुरू होती है। यानी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज मगरिब की नमाज से ज़ुल्हिज्जा की पहली तारीख शुरू हो रही है। इसीलिए अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और बाज़ उलमा कहते हैं कि ये ज़रूरी है। यानी अगर कोई इंसान अपना बाल बनाना चाहता हो, नाखून काटना चाहता हो, बगल के बाल या नाफ के बाल साफ, नाफ के नीचे के बाल साफ़ करना चाहता हो, तो ज़ुल्हिज्जा के चाँद देखने से पहले ये काम कर लेना है। अगर ज़ुल्हिज्जा के चाँद देखने के बाद ये काम करता है तो बाज़ उलमा के नज़दीक ये हराम है, हराम है, यानी जायज़ नहीं है। लिहाजा अगर कोई शख्स ये काम करना चाहता है तो आज मगरिब की अज़ान से पहले काम कर ले। ऐसा नहीं कि जैसे हमारे पास सुबह से दिन का शुमार होता है, तो सोचे कि रात को 12 बजे चला जाऊँगा, मगरिब बाद चला जाऊँगा, अभी सैलून में बड़ी भीड़ है, तो नहीं, मगरिब से पहले ये सारे काम आपको कर लेने ज़रूरी है। तो अल्लाह तबारक व तआला 10 रातों की कसम खा रहा है, यानी अशरे ज़िलहिज्जा के पहले 10 दिन, दिन हम उर्दू में दिन कहते हैं, या अगर तफसील में दिन और रात कह देते हैं, लेकिन मुख्तसर तौर पर हम कहते हैं 10 दिन। आप कब सऊदी जा रहे हैं? 10 दिन बाद जा रहे हैं। कोई नहीं कहता 10 दिन और रात के बाद जा रहे हैं या 10 रात के बाद जा रहे हैं, ऐसा नहीं कहते। तो हर ज़बान की एक स्पेशलिटी होती है, ख़ासियत होती है। तो अरबी में लैला का मतलब लैलतुन लयाली उसकी जमा है, दिन और रात दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। इस आयत में ज़ुल्हिज्जा के पहले 10 दिन मुराद हैं। ये वजाहत इसलिए मैं कर रहा हूँ कि रात के हिसाब से रमज़ान के आखिरी अशरे की रातें ज़ुल्हिज्जा की रात से अफजल हैं, और ज़ुल्हिज्जा के 10 दिन, डे जिसे कहा जाता है, उजाले वाला, यानी सूरज के निकलने से सूरज के डूबने तक ये डे जो हैं ये रमज़ान के डे से भी अफजल हैं। ये नुक्ता समझना नहायत ज़रूरी है। क्यों? रमज़ान बड़ी फजीलत वाला दिन है। रमज़ान में हम रोज़ा रखते हैं, तरावी पढ़ते हैं, कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, उम्रा करते हैं, ज़कात देते हैं, सदका अदा करते हैं, गम ख्वारी करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन हज नहीं कर सकते। ज़ुल्हिज्जा के अय्याम में आपको रोज़ा भी रखना है, नमाज़ें भी पढ़ना है, आप जो सदका भी दे सकते हैं, ज़कात भी अगर किसी के ज़ुल्हिज्जा के महीने में वाजिब होती है, ज़कात भी अदा करेगा, तिलावत कुरान मजीद भी करनी है, और एक एक्स्ट्रा जो है चीज़ है जो हज है। इसीलिए मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ज़ुल्हिज्जा के डेज़, दिन, ये ज़्यादा अफजल हैं। और ख़ुद अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी इस बात पर दलालत करती है कि ज़ुल्हिज्जा के पहले 10 दिन बड़ी फजीलत वाले हैं। यहाँ पर यह नुक्ता आपको मैं समझाता चलूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, और ये इबादतें किसी दिन और किसी रात के साथ ख़ास नहीं, हमें हमेशा इबादत करना है। वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नात को इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी अल्लाह यानी अल्लाह की इबादत करें। अब लोग ये कहेंगे नहीं, मैं सिर्फ फ़ज़ाइल वाले दिन में इबादत करूँगा, ज़ुल्हिज्जा के 10 दिन, उसके बाद मुहर्रम के भी अशरे की फजीलत है तो मुहर्रम में करूँगा, फिर रमज़ान का इंतज़ार करूँगा, सिर्फ फजीलत वाले दिनों में इबादत करूँगा तो ये सही नहीं है। गोया कि आप अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे हैं, गोया कि आप को अल्लाह ने जिस मकसद के तहत पैदा किया वो मकसद अदा नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ आफत ढूंढ रहे हैं। जबकि पांच वक्त नमाजें पढ़ना आप पर फ़र्ज है, और जुल्हिज्जा के रोज़े जो कोई अरफा का रोज़ा रखता है या कोई पूरे 9 दिन के रोज़े रखता है, पूरे 9 दिन के रोज़े भी आप रखें या सिर्फ अरफा का रोज़ा रखें और आप फजर की नमाज तर्क कर दें तो आप गुनहगार होंगे, गुनहगार होंगे। आप ये सोचेंगे मैंने तो बड़ी फजीलत वाले अय्याम में रमज़ान के पूरे 1 महीने मैंने रोज़ा रखा, नमाज भी पढ़ी, तरावी भी पढ़ी, और फिर जैसे शव्वाल का चाँद नज़र आया उसके बाद से आपने नमाजें तर्क कर दी, तो 1 महीना आपने अल्लाह की इबादत की और 11 महीने आपने अल्लाह की इबादत को तर्क कर दिया। तो बताइए कि आपके जो तराजू होंगे उसमें कौन सा पल्ला भारी होगा। हाँ, फजीलत वाले अय्याम हैं, फजीलत वाले जो रातें हैं, कुछ जो हैं अय्याम की फजीलत है, कुछ रातों की फजीलत है, उसमें जब आप इबादत करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उसके सवाब को बढ़ा देता है। और ये अय्याम वो रातें फजीलत वाली क्यों आती हैं? क्योंकि इंसान गफलत का शिकार हो जाता है और कभी कभी उस पर जो है शैतान गालिब आ जाता है। तो हर मौके पर अल्लाह तबारक व तआला आपको जागने के लिए ऐसे अय्याम लाता है कि अगर आप सुस्ती कर रहे हैं, जुल्हिज्जा का महीना आ गया, फिर बेदार हो जाएं, फिर अल्लाह की इबादत करें, फिर आपके इबादत में थोड़ी कोताही आ गई, फिर मुहर्रम का रोज़ा आ गया और जो है आशूरा का रोज़ा आ गया। ये मकसद है, इन चीज़ों को समझना नहायत ज़रूरी है। वरना हमारे पास क्या होता है, लोग ये सोचते हैं रमज़ान की इबादत हमने कर ली और उसके बाद फिर देखा जाएगा, हज हमने कर लिया है, नमाज का पता ही नहीं। 5 वक्ता नमाजें आपको पढ़ने के साथ साथ आपको हज और उमरा करना है। हज एक अलग इबादत तो है लेकिन वो कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है नमाज के साथ। ये मसला समझना नहायत ज़रूरी है। आप कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी एक फैशन हो चुका है, मैं आपको साफ बता रहा हूँ, फैशन। लेकिन अगर आपने कुर्बानी की 1000 बकरे कुर्बानी कर दिया, आपने पूरे गरीबों मिस्किनों को आपने खाना खिला दिया, लेकिन उस दिन की फजर की नमाज आपने नहीं पढ़ी, तो ज़ीरो, ज़ीरो। समझ लीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिए। क्यों? फजर की नमाज फ़र्ज है, यहाँ तक कि फजर की 2 रकात सुन्नतें खैरुम मिनद दुनिया व माफिया है, वो सुन्नतें सफ़र में भी तर्क नहीं करनी है। और कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी है, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और ना करने वाले के लिए वाइड है, मन वजद सातन वलम युज़ही फला यक़रबन्न मुसल्लाना। जिसके पास ताकत है, कुर्बानी नहीं कर रहा है, तो हमारी ईदगाह के पास ना आए, काफिर नहीं हुआ, काफिर नहीं होता है। लेकिन अगर आप नमाज छोड़ देते हैं तो आप काफिर हो जाते हैं। तो ये चीज़ें समझना नहायत ज़रूरी है। हम क्या समझते हैं, साल में 1 बार उमरा कर लिया, ज़िंदगी में जो है कई हज कर लिए, नमाजें हमारी गायब हैं, हुकूक़ुल इबाद हमारे जो है उसमें कोताही है, और हम सोचते हैं कि हमने कुर्बानी कर ली, बड़ा जानवर ज़बह कर दिया, लोगों में जो है गोश्त तकसीम कर दिया, लोग खुश हो गए, हमने बड़ा सोशल काम किया, मुसलमानों के महल्ले में जाके कुर्बानी किया, गांव में कुर्बानी भेज दिया। ये सारी चीज़ें मेरे भाई और बुज़ुर्गों बेकार है अगर आपने इस्लाम के बुनियादी अरकान पर अमल नहीं किया है। तो बुनियादी अरकान क्या है? शहादतें, तौहीद। तौहीद के बगैर आपकी सारी इबादतें बेकार हैं। दूसरा, नमाज। नमाज नहीं पढ़ते आपकी सारी इबादतें बेकार हैं। रोज़ा नहीं रखते आपकी सारी इबादतें बेकार हैं। रोज़ा रखते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, आपका रोज़ा बेकार है। ये सारी इबादतें इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से मिली जुली है, अलग अलग नहीं हैं, मुस्तकिल नहीं हैं। लोग हज करने भी जाते हैं, नमाजें तर्क कर देते हैं, सोचते हैं तवाफ मैंने खूब कर लिया। मेरे भाई और बुज़ुर्गों, ये गलत फहमी मत पाल लीजिए कि हमारा हज एक अलग इबादत है, वो अलग चीज़ है, ऐसा नहीं है। दुनिया में भी देख लीजिए आप, आपका जो जिस्म है इंटरकनेक्टेड है। आपकी आँख में दर्द होगा, आप टेबलेट मुंह में नहीं लेंगे कि आँख जाने आँख को दर्द है, आँख टेबलेट इस्तेमाल कर लें। इंजेक्शन ले रहे हैं, आपके हाथ में दर्द हो रहा है, आँख का इंजेक्शन ले रहे हैं, आँख जाने नहीं। हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से मिली जुली। दर्द होता है, आपको दर्द कहाँ हो रहा है नहीं मालूम। तो ऐसे ही इस्लाम को समझना ज़रूरी है कि ये अलग अलग पैकेज नहीं है, ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। और उसमें सबसे पहला जो है तौहीद है, और तौहीद के बाद नमाज आती है। बकिया इबादतों में थोड़ी बहुत कोताही कमी बेशी हो गई, ये दो चीज़ें अगर आपकी पुख्ता और मजबूत हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला आपके कोताहियों को माफ़ कर देगा। फिर उसके बाद दूसरा मसला आता है हुकूक़ुल इबाद का, वो एक अलग मौजू है। तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अफ़ज़ल अय्याम दुनिया, दुनिया के अय्याम, यहाँ पर यौम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, यानी डेज़। दुनिया में सबसे अफ़ज़ल तरीन अय्याम डेज़ कौन से हैं? ज़ुल्हिज्जा के पहले 10 दिन हैं। साहबा ने पूछा कि अगर कोई जिहाद के लिए भी जाए, जिहाद बड़ी इबादत है, इंसान अपने आप को अल्लाह के रास्ते में क़ुर्बान करता है। फरमाया नहीं, वला मिसलुहुन्ना फ़ी सबीलिल्लाह इल्ला रजुलन अफ़्फ़र वजहु फ़ित्तराब, मगर वो शख्स जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए तब बराबर हो सकता है, वरना सिर्फ जिहाद में जाने से नहीं हो सकता है। इसी तरह एक दूसरी रिवायत में आता है अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मा मिन अमलिन अस्का व अअज़म इंदल्लाह अजरम मिन खैरिन यअमलुहु फी अश्रिल अज़हा। कोई भी बेहतरीन ज़्यादा अजर वाला अमल ज़िलहिज्जा में कोई भी सबसे ज़्यादा बेहतरीन अमल, सबसे ज़्यादा अजर वाला अमल ज़िलहिज्जा में होता है, अशर ज़िलहिज्जा में होता है, ज़िलहिज्जा के पहले 10 अय्याम में होता है। कोई भी अमल ज़िलहिज्जा के अमल के बराबर नहीं हो सकता है। ये ज़ुल्हिज्जा के पहले 10 दिन के फ़ज़ाइल थे। अब ये क्यों इन दिनों को अफजल माना गया, अल्लामा इब्न हजर फतुल बारी में लिखते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि रमज़ान के दिन और रात की जो इबादतें हैं उन्हें सामने रखिए और ज़ुल्हिज्जा के अय्याम डेज़ को सामने रखिए, तो इसमें कुछ इबादतें एक्स्ट्रा आती हैं जो रमज़ान में नहीं होती है। इसीलिए डेज़ यानी दिन, ये आशरे ज़िलहिज्जा के ज़्यादा अफजल हैं। इसमें आप हज एक्स्ट्रा करते हैं और क़ुरबानी जो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, ये भी एक एक्स्ट्रा जो है अमल हम ज़ुल्हिज्जा के पहले 10 दिन और 11-12 जिसे अय्याम तशरीक कहा जाता है उसमें हम करते हैं। तो इसलिए अमल जो है ये दिन ज़्यादा अफजल वाले हैं। अब जब इसकी अफजलियत साबित हो गई तो मुख्तसर ये कि इसमें सबसे अफजल काम, इसमें सबसे अफजल तरीन काम हज करना है। हज करना है जिस पर भी हज फ़र्ज़ हो चुका है उसकी मुख्तलिफ तफासिल है। मुख्तसर ये कि जो अल्लाह के घर तक पहुँचने की ताकत रखता हो उस पर हज करना फ़र्ज़ हो गया। इसमें क्योंकि ये फिल फौर फ़र्ज़ नहीं होता है, आप उसमें डीले कर सकते हैं, लेकिन इतना डीले ना करें कि कहीं आप पर हज फ़र्ज़ हुआ और कोई अदा नहीं कर सके, दुनिया से रुखसत हो गए, दुनिया का कोई भरोसा नहीं, आपकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। तो जैसे फ़र्ज़ हो गया कर लेना अफजल है, ताख़ीर करना जायज़ है। लेकिन ये ताख़ीर कि मेरे बच्चे की भी शादी नहीं हुई, एजुकेशन कम्प्लीट नहीं हुआ और अभी मैं उम्र हज कर लूँगा जवानी में, तो उसके बाद जो है बुढ़ापे में फिर जाना पड़ेगा। इसलिए आखिर में जब सारी चीज़ों से फारिग हो जाऊँगा, बच्चे पूरे सेटल हो जाएंगे, उसके बाद हज करने जाऊँगा, ये सही नहीं है। ये गोया कि आप अल्लाह तबारक व तआला को धोखा दे रहे हैं। और कहीं आपके साथ कोई धोखा हो गया तो क्या करेंगे। इसलिए बेहतर ये है कि फ़ौरन जो है हज अदा कर लिया जाए और ये सबसे अफजल तरीन अमल है ज़ुल्हिज्जा के 10 दिनों में। दूसरा अमल जो ज़ुल्हिज्जा के 10 दिनों में है वो क़ुरबानी करना है। क़ुरबानी बक़िया इबादतें तो कॉमन है, 10 दिनों में क़ुरबानी करना है। क़ुरबानी के ताल्लुक़ से ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि अगर आप क़ुरबानी करने की ताकत रखते हैं और क़ुरबानी नहीं करते हैं तो आपको ईद की नमाज़ के लिए जाना जायज़ नहीं है। ला यक़रबन्न, जो लोग अरबी जानते हैं वो इसका माना अच्छी तरह समझते हैं। हमारे ईदगाह के करीब हरगिज़ ना आएँ, नून सकीला ला यक़रबन्न, वो हमारे ईदगाह के करीब हरगिज़ ना आए। अब सवाल ये पैदा होता है क़ुरबानी की ताकत को डिफ़ाइन कैसे किया जाए, किसके पास क़ुरबानी की ताकत है नहीं है। आपके पास दुनिया के हर चीज़ के लिए ताकत है, हर चीज़ के लिए। जहाँ इस्लाम का मामला आता है, जहाँ दीन का मामला आता है, हमारे सारे बजट जो है ख़त्म हो जाते हैं। क़ुरबानी में ये भी समझ लीजिए कि क़ुरबानी के लिए ज़रूरी नहीं कि इंसान बकरा ही करे। क़ुरबानी के लिए भी समझ लीजिए क़ुरबानी घर के हर फर्द की तरफ से नहीं है, एक घर की तरफ से एक क़ुरबानी। आज जो है एक मोतदिल मॉडरेट टाइप का बकरा 15,000 10 से 15 के बीच में मिल जाता है, 10 से 15। बड़े जानवर 4 से 6 के दरमियान में एक हिस्सा मिल जाता है। अब आप खुद अपना जायज़ा लीजिए, खुद असेस कीजिए कि क्या आप साल के 12 महीने में इतनी सेविंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्या आपका जेब, आपकी पॉकेट साल में एक बार 4 से 6 हज़ार क़ुरबानी के लिए मुतहम्मिल है या नहीं है, या 10 से 15 हज़ार के मुतहम्मिल है या नहीं। आप खुद डिफ़ाइन कर लीजिए, खुद फैसला कर लीजिए कि आप पर क़ुरबानी फ़र्ज़ है या नहीं है। सुन्नत मौक़दा। मेरे भाइयों, आज बड़ी कोताही की जाती है, बड़ी कोताही, दोनों तरह कोताहियाँ हैं दोनों तरफ से। जो लोग करते हैं खूब रिया नमूद होता है। हर इंसान पहले पूछता है बकरे की मंडी का रेट क्या चल रहा है, बहुत सख्त है, बहुत टाइट है। फिर बकरा लेकर आते हैं, कितने में लिया आपने, 12,000, थोड़ा महंगा पड़ गया जनाब। अरे मेरे पास वहाँ फलां जो है मंडी में तो ये 9,000 में मिलता था। ये पूरी सारी चीज़ें आपके इखलास को बर्बाद कर रही हैं, बर्बाद कर रही हैं। अच्छी तरह याद रख लीजिए, कुर्बानी का बकरा पहले लाया जाता ताकि बच्चे उससे इंजॉय करें, ये भी एक नया फैशन है। ये सारी चीज़ें आपके कुर्बानी में जो इखलास होना चाहिए, लन यनालल्लाह लुहूमहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुत तक़वा मिनकुम। जानवर कितने का है, कितने केजी इसका है। आज ऑनलाइन कुर्बानियाँ हो रही तो उसमें भी लिखा जा रहा है कि गोश्त 11 से 12 के बीच में होगा, ताकि क्योंकि लोगों का माइंड सेटअप हो गया है। ये सारी चीज़ें आपके कुर्बानी के इखलास को ख़त्म कर देती हैं। अल्लाह को कितने केजी का नहीं पहुँचता है। तकवा, वो जज्बा कि आप अल्लाह के रास्ते में हर चीज़ कुर्बान कर सकते हैं, अपनी अना को, अपने ईगो को, अपने रिश्तेदारी को। अगर आपके रिश्तेदार को कुफ्र शिर्क में मुब्तला हैं उसे भी कुर्बान कर सकते हैं। ये जज्बा हर साल रिवाइव किया जाता है, रिन्यू किया जाता है, ताकि एक मुसलमान अल्लाह के रास्ते में कुर्बान होने के लिए, आज एक जानवर ज़बा कर रहा है, कल अगर उसको अपनी जान कुर्बान करनी हो तो उसके लिए तैयार रहे। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन की सही समझ अता फरमा, दीन को की तालीम अच्छी तरह से हासिल करने की तौफीक अता फरमा, हमारे अमाल में इखलास पैदा फरमा। हमसे जो कोताहियाँ हो रही अल्लाह उन कोताहियों को माफ़ फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़ास्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।